हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत केस में आरोपों पर अभिनेत्री रिया बोली, अब तक की जांच में मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, पैसे के लेन देन और सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप भी गलत हैं। आमिर खान अपनी आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए तुर्की गए हैं। तुर्की में भारतीय राजदूत ने इस मुलाकात को अच्छा संदेश बताया। अब सुशांत और रिया की विदेश यात्राओं पर प्रवर्तन निदेशालय की नजर है। 25 दिन कई देशों में दोनों घूमे थे। सुशांत रिया के बीच करोड़ों के लेन देन के आरोप हैं। भारत विरोधी देश तुर्की में राष्ट्रपति की पत्नी से आमिर खान की मुलाकात पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और वीएचपी नेताओं ने आमिर खान को एंटी नेशनल बताया। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी बोले, आमिर की असलियत सामने आ गई, लेकिन कांग्रेस के तारिक अनवर ने किया बचाव। कहा, विवाद सिर्फ इसलिए है क्योंकि आमिर मुसलमान है। आमिर खान के विवाद में कूदी अभिनेत्री कंगना रनौत, विवाद को हिंदू मुसलमान से जोड़ा और पूछा, आमिर कब से इतने सहनशील हो गए। यूपी के 40 जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। लाखों लोगों पर मंडराया संकट। गंगा, सरयू, घाघरा नदी उफान पर होने से मुश्किल बढ़ी है। यूपी में गंगा किनारे बसे इलाकों में आफत है। बुलंदशहर में एक गोदाम बह गया। गोदाम में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री का सामान रखा था। उत्तराखंड में उफनती नदियों में रास्ते डूब गए तो बल्लियों के सहारे रास्ते पार करने को मजबूर हो रहे हैं लोग। बेंगलुरु हिंसा में कर्नाटक कांग्रेस के पूर्व मेयर के सचिव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप है, दंगों के आरोपियों के संपर्क में थे सचिव अरुण राज। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी से जुड़े नेता के हवाई फायरिंग करने का वीडियो वायरल। फेसबुक पर लिखा, ब्राह्मणों को बीमा नहीं हथियार चाहिए। यूपी के मुरादाबाद में पेड़ काटने के आरोप में संघ नेता को पुलिस थाने लेकर आई तो थाने के बाहर धरना हुआ। इसके बाद दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में नेशनल हाईवे पर लगी घोड़ों की रेस। सट्टेबाजों ने किया था आयोजन। 9 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। यूपी के सुल्तानपुर में पेट्रोल पंप पर तेल भरवाते वक्त हादसा हो गया। बाइक में लग गई आग, बाल बाल बचे लोग। यूपी के सुल्तानपुर में चोरी के आरोपी की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज किया है। हत्या का वीडियो भी सामने आया है। एमपी के रीवा में डकैतों से परेशान गांव की महिलाओं ने खुद ही हथियार उठा लिए। अपनी रक्षा के लिए बनाई महिला आर्मी। मुंबई के बोरीवली में बिजनेसमैन अडानी के बिजली दफ्तर के बाहर कुछ लोगों ने चोर लिख दिया। एमएनएस कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लड़ते वक्त शहीद हुए सीआरपीएफ के दोनों जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। बारामूला में कल हुआ था एनकाउंटर। मध्य प्रदेश में जल्द ही सरकारी नौकरी मध्य प्रदेश के लोगों को ही मिलेगी, बाहरियों को नहीं। यहां की शिवराज सरकार ला रही है नया कानून। शिवसेना के संजय राउत ने कहा, मैंने डॉक्टरों का नहीं किया अपमान। बोले, मैंने जब कहा कंपाउंडर्स डॉक्टरों से ज्यादा जानते हैं तो मेरा निशाना विश्व स्वास्थ्य संगठन पर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पीएम केयर्स फंड्स और एनडीआरएफ को नहीं मिला सकते, नहीं होगा पैसा ट्रांसफर, दोनों अलग अलग व्यवस्था हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी ने बताया सरकार की जीत। रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस के राहुल गांधी ने पीएम केयर्स फंड पर झूठ फैलाया था, अब ये साबित हो गया। गोवा के गवर्नर सत्यपाल मलिक को मेघालय का गवर्नर बनाया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी को अब गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।
कुछ दिन पहले कोरोना से ठीक हुए गृह मंत्री अमित शाह फिर एम्स अस्पताल में भर्ती हुए, हल्के बुखार की भी शिकायत, अस्पताल से कर रहे हैं काम। यूपी सरकार में एक और मंत्री अतुल गर्ग कोरोना संक्रमित हुए, अब तक यूपी के दो मंत्रियों की कोरोना से मौत हो चुकी है। जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर से जुड़े 22 और लोग कोरोना संक्रमित मिले, इनमें 3 पुजारी 4 सुरक्षा जवान हैं। 16 तारीख से फिर शुरू हुई है यात्रा। सोशल मीडिया पर मास्क के खिलाफ बेतुकी मुहिम का वीडियो सामने आया, लोगों से मास्क ना लगाने के लिए घटिया घटिया कारण बताए गए, वीडियो की जमकर हुई आलोचना। कोरोना संकट के बीच दिल्ली मेट्रो अगर चली तो किराए के लिए नई पहल हो सकती है, टोकन की जगह बैंक कार्ड या रुपए कार्ड से सीधा कटेगा किराया।